नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं वरुण बाबुल और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। लाइव इंटरव्यू के तीसरे सप्ताह के आज के इस इंटरव्यू में हम जुड़ने वाले सभी सदस्यों का और सभी पाठकों का हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ हैं नौगछिया के राजनीति के पुरोधा अरुण कुमार यादव उर्फ केडी यादव जी, जो लगभग 50 वर्षों से राजनीतिक और नौगछिया के राजनीतिक करियर में जो है जुड़े हुए हैं। नौगछिया का जो राजनीतिक करियर है कहीं ना कहीं इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता रहा है और अभी वर्तमान में शारीरिक रूप से थोड़े अस्वस्थ चल रहे हैं। एक लंबे समय से ये राजनीतिक के गलियारे में और नौगछिया में जो है जो स्थिति रही है और ये अपने अपने भूमिका से अपने कार्यों से सामाजिक कार्यों से राजनीतिक कार्यों से हमेशा जो है इनका एक स्थान रहा है जो आज तक बरकरार है। तो आइए हम स्वागत करते हैं। और चूंकि हमारे टीम को हमारे टीम के द्वारा एक निर्णय लिया गया कि नौगछिया के अरुण कुमार यादव उर्फ केडी यादव जी को एक बार लाइव इंटरव्यू में लाया जाए और इस पर जो है विचार करने के बाद आज संध्या रविवार संध्या 5 बजे आज के इस लाइव स्ट्रीम में हम स्वागत करते हैं अरुण कुमार यादव उर्फ केडी यादव। स्वागत है सर आपका जीएस न्यूज में। थैंक्स सर। हमारा एक पहला सवाल होगा आपसे कि आप जो है लंबे वर्षों मतलब एक लंबे समय 50 वर्षों से आप राजनीतिक और नौगछिया के राजनीतिक करियर में हैं सर, आप नौगछिया की राजनीति को किस तरह देखते हैं सर? नौगछिया का राजनीति अभी तो भटक गया है जी, कोई किसी को देखने वाला नहीं है जी। जो जिस पद पर है जी वो अपना मौज मार रहे हैं जी। जो जनता का सेवा होना चाहिए वो सेवा अभी नहीं हो रहा है। तो सर पहले के मतलब पहले का जो नवगछिया था और आज का नवगछिया है सर, आप उसे अपने किस नजर से देखते हैं सर, किस अंदाज से देखते हैं? पहले नवगछिया का डेवलपमेंट बहुत कम हुआ था जी। आज डेवलपमेंट बहुत हुआ है जी। वह डेवलपमेंट नगर पंचायत जी। और राजनीतिक दलों द्वारा भी किया गया है जी। लेकिन अधिकांश डेवलपमेंट नगर पंचायत नवगछिया के द्वारा किया गया है और मैं एक पाठकों को एक जानकारी दे दूं कि अगर आज लाइव स्ट्रीम में आपके मन में कोई सवाल है या अगर आप कोई चीज पूछना चाहते हैं तो हमारा फोन कॉल फोन लाइन शुरू हो गया है जिसका नंबर है 97098-9409894194. आप इस पर कॉल करेंगे और आज के इस लाइव स्ट्रीम में बिल्कुल लाइव हैं आपके सामने केडी यादव जी। सर आप राजनीति में कब आए सर? हम 1971 में आए। ज्ञानेश्वर यादव जी का जनसंघ पार्टी थी जी। उसी में हम लोग को जोड़ा था, हम लोग उनके साथ उसी समय से थे। तो सर राजनीतिक में जो आए थे सर उस समय की कोई ऐसी कोई कहानी हो, कोई यादगार पल हो आपका जो आप इस कहानी एक है कि हम लोग उस समय बदमाशों का बहुत कैलाश मंडल और एक उस पार में लोहा लगाम की तरफ था जोगिंदर यादव वगैरह वगैरह बदमाश लोग ये जनसंघ से खड़े हुए थे। उस समय इतना भयभीत थे ये कि इनका भाषण होने वाला था ढोलबज्जा में। इनके जो पहले पुराने पार्टी के लोग थे कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं थे। उस समय हम लोग जीबी कॉलेज नौगछिया में पढ़ाई करते थे अपना। उसी में वो अचानक दुर्गा स्थान चौक पर हम लोग खड़े होकर कुछ मित्र बातचीत कर रहे थे। ज्ञानेश्वर बाबू आए जिनको हम लोग नहीं पहचानते थे, उन्होंने अपना परिचय दिया और कहा कि हमको मदद चाहिए, हमारे साथ कोई नहीं जाना चाहता है, आप लोग हमको मदद दीजिए। उसमें हम लोग 4 आदमी हम थे, एक नरेश यादव था, एक मणिलाल यादव था, एक रामवृक्ष यादव था। चारों आदमी जाने के लिए तैयार हुए। उनको बोले कि बदमाश सब है और आक्रमण करेगा तो आप भाग नहीं जाइएगा। कहा नहीं नहीं भागेंगे, कहिए आप नहीं भागिएगा तो हम लोग भी नहीं भागेंगे, मरेंगे तो साथ मरेंगे, जियेंगे तो साथ जियेंगे। हम लोग चले उनके पास। उस समय जो जीप आती थी वो नेपाल से आती थी प्रचार वाली पेट्रोलिया जीप, ऐसा जीप था कि उसको धक्का मारना पड़ता था। ठेल करके हम लोग आदर्श के नज़दीक से माल गोदाम के ऊपर चढ़ाते थे, उसके बाद ऊपर से हम चारों ठेलते थे
तब वो जीप स्टार्ट होती थी तो स्टार्टे रहता था। क्या बात है। स्टार्ट करके हम लोग विजय घाट टपे और ढोलबज्जा गए। हम चारों को वहाँ चार जगह कार्यकर्ता के यहाँ बांट दिया, हम लोग का जो भी सूखा सूखा खिलाया जी। खिलाया पिलाया। अब वहाँ मीटिंग में कोई आने के लिए तैयार नहीं था। वहाँ एक चौकी लगी, उस चौकी पर चार हम और एक ज्ञानेश्वर यादव। ज्ञानेश्वर यादव, हम लोग नए नए थे, भाषण देने तो आता नहीं था। ज्ञानेश्वर बाबू भाषण दे रहे थे जी। और हम चारों बैठे थे, लोग यत्र तत्र 100 फीट 50 फीट 200 फीट पर से झुंड बना के सुन रहा था। उसमें हम लोग MP का चुनाव था, करीब महीना दो महीना उन्हीं के साथ रह गए जी। एक दिन की बात है कि हम लोग रात जहाँ रहते थे वहीं रह जाते थे, जो लोग खिलाते थे वही खाते थे। क्या बात। इधर आ रहे थे हम लोग बड़हरवा को ठीक तरफ से, उस समय कटिहार में ये लोकसभा क्षेत्र था जी। भोरे भोर जब कुर्सेला चौक पर आए और जीप हमारी पूर्णिया के तरफ मुड़ने लगी, आगे केतारी का ईख का एक गाड़ी ट्रक जा रहा था। कैंसर बाबू बोलते हैं, अरे कृष्णदेव दौड़ो, दो चार दस ठो डंटा घींच लो, क्या खाओगे जी। ये खाने की नौबत ऐसी थी कि हम लोग वो जो केतारी था, ईख का डंटा था जी, वो चार पांच दस ठो खींच के लाए जीप पर जी। हम लोग भी चबाते थे, ड्राइवर भी चबाता था और बाबू ज्ञानेश्वर यादव भी चबाते थे। ये उस समय की राजनीति थी। ये लोग निस्वार्थ भावने से राजनीति करते थे। आज की राजनीति वैसे नहीं है। आज जो राजनीति लोग करते हैं अपने व्यक्तिगत मौज के लिए, धन अर्जन करने के लिए, प्रतिष्ठा अर्जन करने के लिए करते हैं, जनता की सेवा करने के लिए नहीं करते हैं। हम लोगों को जब भी मौका लगा है जनता की सेवा किए हैं, कभी जनता को छले नहीं हैं, जनता के बीच में किसी को ठगे नहीं हैं, जहां तक चल बन सका है अन्याय के खिलाफ में किसी को भी मदद की है। तो सर एक सवाल था कि 40 साल पहले नौगछिया, यानी 50 साल जब आप 71 की बात कर रहे हैं तो निश्चित 50 साल, तो 40 साल का ही दरमियान लें सर, 40 साल के नौगछिया और अभी के नौगछिया में क्या अंतर लग रहा है सर, आपकी नजर से नौगछिया को अगर देखा जाए तो? बहुत अंतर है। वैसे भाईचारा प्रेम का कहिए, उस समय का भाईचारा, उस समय का प्रेम अभी नहीं मिलता है, लेकिन डेवलपमेंट है, विकास है, लोग व्यापार बढ़ा है, लोग खुशहाल हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, विकास के मामले में बहुत विकास हुआ है। सर एक समय था जब नवगछिया में अपराध चरम पर था और शायद उसी समय से नवगछिया को एक दाग, एक अपराध का एक टीका लगा है जो आज तक है। नौगछिया अपना वो छवि वापस नहीं ला सका है, यानी वह अभी भी उसकी छवि उस अपराध से जुड़ी हुई है, इसके बारे में क्या कहें? आपको याद होगा वो अपराध ऐसा था कि लोग रंगबाजी मांगते थे जी। मैं अभी व्यक्तिगत किसी का नाम नहीं लेना चाहते जी। चाहता हूँ, कुछ आदमी बहुत ऊंचे पद पर हैं जी जी। कुछ आदमी गुजर गए हैं जी। ये सारे कुछ राजनीतिक और ये जो रंगबाज कहते हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति कहते हैं, नौगछिया में लोगों को लूटना, लूटते थे और लूटने का प्रयास करते थे, उसके विरोध में हम, ज्ञानेश्वर यादव MLA थे, उनको मैंने बुलाया और यही धर्मशाला में 2-3 हजार आदमी का मीटिंग, गरीब से लेकर अमीर तक का बैठक हुआ। ज्ञानेश्वर यादव को मुख्य संरक्षक बनाया गया और मैं अध्यक्ष बना था। नागरिक सुरक्षा समिति का हम लोग स्थापना किए थे, जो साल दो साल अपनी राइफल बंदूक व्यवसायियों को लेकर के घूम घूम करके अपराधियों को रगेद रगेद के नौगछिया को स्वतंत्र कर दिए थे। उसी समय से बहुत कुछ ठीक ठाक है। उसके बाद कुछ राजनीति आ गई, राजनीति वाले को ये अच्छा नहीं लगने लगा, राजनीति वाले को तो कुछ लूट भी चाहिए ताकि उनकी इज्जत भी बरकरार रहे, यह भी नहीं देखना चाहता है कि ये लोग बढ़िया से रहे तो हमको कोई कुछ भी नहीं करे, शिकायत करने लगे। धीरे धीरे वो नागरिक सुरक्षा समिति छोड़ दिए, हम लोग राजनीति में चले आए। राजनीति में जो होता है वही है, अपराध में तो अपराध है, अभी भी अपराध है, अब तो कोई देखने वाला नहीं सर। ऐसा 2020 में और कुछ दिनों से सर लगातार जो है नौगछिया में, मतलब 2020 ही नहीं कहा जाए सर, महज 3-4 सालों का अगर सर आप आंकड़ा लें तो लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही है, चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है सर। अपराध और चोरी, अब क्या है कि कोई किसी को कहने वाला नहीं है। मैं था जी।
यहीं के कुछ सहयोगियों को लेकर के, व्यवसायियों को लेकर के इस अपराध पर नियंत्रण करता था। उस अपराधी से लड़ने के लिए, मरने मिटने के लिए तैयार हो जाते थे। इसके चलते हम बहुत अपराधियों से लड़े हैं, केस मुकदमा में जेल भी गए हैं और वह अपराधी खत्म भी हुआ है। आज ऐसा वातावरण हो गया है कि अब तो सबसे ज्यादा जो लूट खसोट होती है तो वो तो होती ही है, सबसे ज्यादा अभी नवसिखवा लड़का जो है, बच्ची लोग जो पढ़ने आती है, मोहल्ले में जो लोग है उसको जाके लोग छेड़ते हैं, उसके साथ बदतमीजी से पेश आते हैं, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। मेरी तो अब उम्र हो गई है करीब 69-70 साल की, वैसा वातावरण नहीं है, इसलिए मैं अभी कुछ अस्वस्थ हूँ, इसलिए कुछ मैं देख भी नहीं पाता हूँ। मैं नगर पंचायत में भी था तो नगर में घूम घूम करके रोज सवेरे मोटरसाइकिल से उठ के समूचा नगर का भ्रमण करता था, कौन नाला गंदा है, कौन रोड गंदा है, कौन आदमी कहाँ दिक्कत में है, वह उसका निवारण करने का प्रयास करते थे, लेकिन अभी तो कोई करने वाला नहीं है। यही वातावरण है बाजार का। सर ऐसा मतलब कि जो नौगछिया, अभी नौगछिया नगर पंचायत की राजनीति को आप किस प्रकार देखते हैं सर, अभी की, अभी जो नौगछिया नगर पंचायत की राजनीति है सर? अभी एकदम एक तो जैसे समय काटता है लोग, समय कट रहा है जी। अभी कोई वातावरण नहीं, कोई मैंने कोई ऐसा काम नहीं जी। जो सरकार का काम आता है वो तो करना है, वह होता है, वह हो रहा है, बाकी और जो सामाजिक लेवल का काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, जिसके चलते अपराध बढ़ रहा है, अपराधियों का मन बढ़ रहा है। नहीं तो हम लोग जिस रोड से निकलते थे तो अपराधी रोड छोड़ के भाग जाता था जी। आज वो कोई कहने वाला नहीं है, मैं भी उसमें से हूं, मैं भी किसी को कुछ नहीं कह सकता हूं। तो सर मैं सवाल पूछने से पहले आम पाठकों को बता दूं कि हमारी फोन कॉल की लाइन भी शुरू है, अगर आप आज के इस जो है लाइव स्ट्रीम में अगर आप कोई प्रश्न अरुण कुमार यादव उर्फ केडी यादव से पूछना चाहते हैं तो हमारा फोन लाइन शुरू है, जिसका नंबर है 9709894194 9709894। मैं एक केडी यादव का एक अंदाज बता दूं कि ये बेवाक बोलने वाले राजनीतिज्ञ हैं, यानी इनको जो है ये बिना किसी लाभ हानि को देखते हुए, बिना किसी लाभ हानि के बारे में सोचते हुए हमेशा बेवाक बोलते हैं, और बेवाक के कारण ही ये हमेशा चर्चा में रहे हैं, हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। सर एक सवाल था सर, आप नौगछिया को सर किस नजर से देखते हैं, आप अपनी नजर से अगर कहा जाए तो? नौगछिया एक बहुत सुंदर सा मार्केट है जी, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं जी। अगर इनको सिर्फ अपराध मुक्त जी कर दिया जाए तो नौगछिया के विकास में चार चांद लग जाएगा जी। ऐसा जगह कहीं और नहीं मिलेगा जो नौगछिया में है, लेकिन उसको एक सहयोग मिले, एक प्रेम मिले, एक प्यार मिले। सर इस पचास वर्षों में सर बहुत सारे मौसम आए गए, बहुत सारे नेता आए गए, बहुत सारे अपराधी आए गए, बाहुबली आए गए, हर किसी का एक दौर चला, वो जीवित हो या नहीं भी हो उनका दौर चला और वो समाप्त हुआ, लेकिन आज भी वही अंदाज, वही एक निशान है केडी यादव का, इसका क्या राज है सर? सत्य पर चलना जी, निष्पक्ष रहना जी, यही एक आत्मबल है। जो सत्य पर चलेगा, निष्पक्ष रहेगा, उसका आत्मबल उसको समाज भी साथ देगा और भगवान भी साथ देगा, वही हमारे साथ है। मेरा परिवार में ऐसा पीछे कोई आदमी नहीं था, मैं एक साधारण किसान का बेटा हूं, लेकिन किसान के उस किसान ने मुझे पढ़ाया लिखाया, आत्मबल दिया कि किसी के सामने जायज पर झुको नहीं, सर कट जाए कटा दो लेकिन सर को झुकाओ नहीं। उसी पर मैं चलते रहा, जिसके लिए बहुत कुछ नुकसान भी हुआ, और नुकसान हुआ तो उसके साथ साथ समाज को फायदा भी हुआ कि अपराधी का उन्मूलन हुआ। मैं अगर बगावत करता था तो मेरे साथ और भी लोग बगावत करने के लिए तैयार रहते थे, चाहे वो मेरी राजनीतिक बगावत हो, चाहे वो अपराधियों से बगावत हो, उसमें हम कभी पीछे नहीं रहे।
सर, भवानीपुर से नौगछिया तक का सफर मतलब कैसे रहा कि आप नौगछिया में आए फिर नगर पंचायत में आए? बहुत सारे लोग इसके बारे में भी नहीं जानते हैं कि ये तो बहुत बड़ी कहानी है जी जी। लेकिन मैं शॉर्ट में संक्षेप में बता देना चाहता हूं कि मैं एक किसान का बेटा हूं जी। मैं स्टेट ट्यूबवेल में जी। सरकारी नौकरी में था जी। उस नौकरी में करते करते मैंने उसके पहले मैं ये जीबी कॉलेज का प्रोडक्ट हूँ, मैं यहाँ पढ़ता लिखता था, उस समय भी बाजार में आता जाता था, उस समय भी अन्याय होता था, स्टूडेंट लाइफ में भी, तो मैं उस अन्याय का विरोध करता था। मेरा ये नेचर था कि मैं अन्याय का विरोध करूं। तो वो मैं सर्विस करते करते मैं व्यवसाय करने लगा कॉन्ट्रैक्ट का, उसके बाद मैंने सर्विस रिजाइन कर दिया, व्यवसाय करने लगा, ठेकेदारी करता था, चिमनी चलाता था, उसके साथ साथ मेरा सामाजिक काम भी था। उस सामाजिक के काम में मैं व्यवसाय किया, सामाजिक काम किया और बाजार में हम जमीन खरीदे और यहीं बस गए। यहाँ बस गए तो फिर बाजार वाले का भी हो गए, सुख दुख कोई हो तो अभी भी लोग को कुछ होता है, जब भी रात में 12 बजे आता है तो मैं दौड़ के चला जाता हूँ। लोग दूसरे से लड़ाई हो, अपने भाई भाई में लड़ाई हो, पति पत्नी में लड़ाई हो, वहाँ भी लोग हमको बुलाते हैं, उसका भी निष्पक्ष भावना से जा करके हम प्रेम से मिलजुल करवा देते हैं, निष्पादन करते हैं। ये हमारा भाईचारा बना रहा, उसमें अपराधियों से भी बहुत मुठभेड़ हुआ जी। बहुत मुठभेड़ हुआ, बहुत बहुत, जिसकी कोई सीमा नहीं है, सब लोग जानते हैं। राजनीतिज्ञों से भी लड़ाई हुआ, मदन बाबू से भी हमारी लड़ाई हुई, अनिल बाबू से भी लड़ाई हुई, ये भी हमसे सब हम पर हाथ साफ करना शुरू किए। डॉक्टर राणा जिसको मैंने बनाया वो भी हमको लड़े हमसे। मैंने ऐसा कोई राजनीति की नहीं है जो हम पर प्रहार नहीं किए, लेकिन मैं झुका नहीं। सबसे मैंने क्रूर प्रहार हमारे डॉक्टर साहब का था जो सारे दुनिया ने देखा है, कि बिना केस का भी हम पर कोई 5-10 नंबर मुकदमा करके जेल भिजवा देता था, सिनेमा हॉल बंद करवा दिया, राइफल सीज करवा दिया। जी, मैं कॉन्टैक्ट करता था रेलवे में या लोकल स्टेट में, उस पर विजिलेंस बैठा करके हमको तहस नहस किया। हमारा एक मित्र है रतन केडिया जी, उस समय हम लोग सब एक साथ थे, डॉक्टर अभी भी रतन जी से हमारा पारिवारिक रिलेशन है। डॉक्टर साहब ने कहा कि रतन तुम अपने मित्र को समझा दो, उस समय मुनिलवा यादव का बहुत बोलबाला था बदमाश का, उससे भी हमारी भवानीपुर में लड़ाई थी, का मुनिलवा बाजार आवेगा मैंने मेरे खिलाफ, राइफल सीज करवा देंगे, सिनेमा हॉल बंद करवा देंगे, ठेकेदारी बंद कर देंगे, भूखे मरवा देंगे। उसने कहा कि देखिए ये बाहुबली है, ये करवा देगा जी। तो झुक जाइए। क्लियर रतन, ये बताओ, हम जो भवानीपुर से कृष्णदेव यादव यहां नौगछिया आए थे, क्या एक डॉक्टर साहब हमको वो कृष्णदेव यादव बना सकता है? तो नहीं। के लिए मैं झुकूंगा नहीं, मेरा सब कुछ बंद हो जाएगा। जितने से भगवान हमको प्रॉपर्टी दिया है उसको भाड़ा पर भी किराया पर भी लगा देंगे, तो इसके रीजन भर घर में बैठ करके भी हम जी लेंगे, खा लेंगे, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। और मैं झुका भी नहीं, नहीं झुका तो भगवान हमारा विजय दिया। हमरे धन दौलत में, हमरे व्यवसाय में, हमरे मान इज्जत में कोई कमी नहीं रहा। नगर पंचायत में भी रहे तो हम निर्विरोध कई बार रहे, लोगों ने काफी मान सम्मान, अभी भी लोग मान सम्मान करते हैं। एक कोई एमएलए हैं, एमपी हैं, उनका मान सम्मान है तो मेरा भी मान सम्मान उनसे बढ़ करके है, कम नहीं है। तो मैं यही समझता हूँ कि यही मान सम्मान हमारा बरकरार रहे। धन दौलत तो ऐसो कमाते हैं, खाते हैं, आता है और जाता है, ये हाथ का मैल है, कोई अमीर होगा कोई गरीब होगा, ये दुनिया का रीत है। लेकिन मान सम्मान दिल में लोगों के समाये रहें, हमारे लिए यही बड़ी उपलब्धि है। और ये मैं जिंदा हूँ और लोग जाने वाले बहुत चले गए।
बहुत बहुत बेबाक तरीके से, जो मैंने पहले ही बताया कि इनका अंदाज निराला रहा है। ऐसा है कि मतलब शुरुआती के दौर में, अब थोड़ा सा हम इस नौगछिया के विषय से आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसे थोड़ी देर के लिए दरकिनार करते हैं, और मैं बता दूंगा अगर आपके मन में किसी प्रकार का सवाल है जो आप इनसे पूछना चाहते हैं। आज लाइव में हमारे साथ केडी यादव जी हैं, तो हमारा फोन लाइन शुरुआत है, लगातार कॉल आ रहे हैं लेकिन मैं बीच में रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ। आप निरंतर कॉल करते रहें तो बात हो ही जाएगी। आज हमारे साथ लाइव में है केडी यादव जी। सर एक मेरा व्यक्तिगत मतलब टीम का सवाल था सर, कि उस समय का जो बचपना था सर, जो आपने बिताया है, और अभी का बचपना जो बच्चे बिता रहे, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है सर। बहुत अंतर है जी। उस समय सामाजिक जो प्रेम भाव था जी, जात था लेकिन प्रेम में कमी नहीं थी। गरीब हो, अमीर हो, हरिजन हो, उच्च वर्ग के लोग हों, लोग एक दूसरे का इज्जत, बहु बेटी का, एक दूसरे का ख्याल बहुत रखते थे, जो आज नहीं है। आज सेल्फिश हो गए हैं लोग, स्वार्थी हो गए हैं, शुक्र करके अपने भर हो गए हैं, घर में अपने माँ बाप का नहीं है। मैं पंचायती करता हूँ लोगों का, लोग मैंने माँ बाप अपने बच्चे के लिए कौन कुकर्म नहीं करता है, कौन कर्म नहीं करता है, लेकिन वह बच्चा भी माँ बाप का नहीं है। मेरे समझ से ये युग का प्रभाव है जी। ये युग जो है, ये युग के चलते ऐसी मानसिकता हो रही है, लोग सेल्फिश हो रहे हैं, स्वार्थी हो रहे हैं, इसलिए वो बचपना और आज की बचपना में बहुत फर्क है। सर कोई एक कोई चर्चा करेंगे जो आपके साथ बचपन में बीता हो, कोई स्कूल से मारपीट लगी हो या घर में कुछ डांट फटकार या वैसा कोई माहौल हो, जो आपके उम्र के हैं जो आपको लाइव देख रहे हैं उनका भी कुछ याद ताजा हो जाए कि आपने उसे उस समय का याद दिलाया, एक 70 साल पहले। मेरा घर भवानीपुर पड़ता है, मेरा ननियाल सकुचा पड़ता है नगड़े के बगल में। मेरे बाबूजी निरा मूर्ख, सारे खन परिवार में ही मूर्ख लोग थे, कोई पढ़े लिखे नहीं थे जी। मैं ननियाल में रहता था जी। मैं बच्चा था जी। मामा का इकलौता बेटा भी नहीं था, मैं ही बेटा ही समझिए मानते थे वो जी। जी। भोर जब होता था तो वो प्रेम था वहाँ जी। वहाँ सोखचा में भी स्कूल नहीं था जी। मिल्की था, मिल्की में लोअर प्राइमरी स्कूल, वहाँ से करीब करीब 2 किलोमीटर पर स्कूल था। उस समय हम लोगों को घर से सवेरे उठते, मैंने उठाता था लोग घींच करके, और राय बहेलिया लोग बोलते हैं उसको, राय है वहाँ उस गांव में, लेकिन ऐसा प्रेम भाव था कि नाना मामा मामी सब हम लोग एक रहते थे। वो हमको उठा करके धौना पर रोते थे, धौना पर लाद करके स्कूल ले जाते थे पढ़ाने के लिए, और उस लोअर प्राइमरी स्कूल में हम लोग पढ़ते थे जी। उसके बाद हम लोग फिर नौगछिया चले आए, वहाँ से पढ़ने में तेजगढ़ थे हम, नौगछिया में एडमिशन हुआ, फिर तो हम गांव भवानीपुर में रहने लगे, वहीं से पढ़ने लिखने लगे। एक जो है एक रचना थी, एक रचना करके हमारे चैनल को भेजा था, वो अब रही नहीं, स्मृति से शेष वो हो गई हैं, सुषमा झा, उन्होंने एक सर लिखा था कि आजकल के जो बच्चे की माँ है उनको बच्चे से प्यार है और कल नहीं था, एक कटाक्ष है उनकी एक पंक्ति है कि आजकल के बच्चे से उसके माँ को प्रेम है, कल नहीं था, कल जब मेरा भाई विद्यालय से लहूलुहान होकर आता था तो पिताजी ये नहीं पूछते थे कि गलती क्या है, पिताजी खड़ाम उठाकर शुरू कर देते थे कि जरूर तुमने कोई बड़ी गलती की है जिसके कारण तुम्हें शिक्षक ने इस विद्यालय में पीटा। लेकिन आज सर, एक मिनट सर, आज की जो स्थिति है सर, अगर टीचर एक चाटा मार दे तो वही तो गार्जियन माँ बाप स्कूल जाते हैं और कहते हैं कि हम आपको जेल भेज देंगे, आपको फांसी पर चढ़ा देंगे, आपका पूरा जिंदगी खराब कर देंगे, क्योंकि आज के माँ बाप को बच्चे से प्रेम है। हाँ, वो जो उन्होंने रचना में कटाक्ष किया, कटु सत्य है वो जी। आज पढ़ लिख करके IAS हो जाए, IPS हो जाए, पढ़ाई लिखाई में इससे ऊंचा जगह कोई और नहीं है जी। लेकिन उस समय जो था, गुरु और शिष्य था, शिष्य जो छात्र थे गुरु को भगवान समझते थे और गुरु भी शिष्य को अपना पुत्र समझते थे। उस समय का शिक्षा और आज के शिक्षा में आसमान धरती का फर्क है। हम आज फर्राटे से अंग्रेजी बोलना शुरू करें,
फुल पैंट पहनना, हेड टोप लगा करके चलें, उस समय हम लोग हाफ पैंट पिन करके, फटा हुआ हवाई शर्ट पहन करके, चप्पल पैर में नहीं था, स्कूल में बैठने के लिए बोरिया होता था जी। उस बोरिया पर बैठते थे, कलम के बदले खड़ही के जी। खड़ही का कलम बनाते थे, उसे लिखते थे जी। और वह शिक्षा और आज के शिक्षा में बहुत फर्क है। उस समय जो गुरु ज्ञान देते थे जी। वो आज गुरु अगर ज्ञान देने लगते हैं तो सही बोले आप, उसको लोग गोली मारने के लिए जाता है। आज उसका कहना है मेरा बेटा पढ़े नहीं पढ़े जी। आपका काम है पढ़ाइए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कीजिए, उसको आंख तक मत दिखाइए। उस समय हम लोग घर में अगर कोई बदमाशी करते थे तो नानी मामी बोलता था, बोला तो मास्टर साहब वगैरह जी। तो मास्टर वहां आते थे, छड़ी लेकर लगे छड़ी मारते थे हमको, और मामा सब और नाना सब पिताजी सब हंसते थे मारो। एक बात, एक जो आपने बोला बताया कि एक अभी याद आया हमको, सोक्षा में ही शाम में हम लोग चौकी जो होता है उस पर सब बच्चा बैठ करके पढ़ रहे थे जी। और मास्टर साहब और गांव के लोग, हम लोग का जो परिवार के लोग थे और गांव के लोग, उस समय एक दरवाजा पर 10 आदमी बैठा करते थे जी। तो मास्टर साहब उधर उस गप में लग गए, औंगने लगे, हम ही उसमें औंग रहे थे जी। उस समय ऐसा हिंदू धर्मवादी था कि हम लोग को आधा कपार टीके रखना पड़ता था, या आधा कपार टीक रखते थे, इधर मुड़ाते थे जी, जी, जी। तो मास्टर साहब आए, टीक पकड़ के ऐसा खींचा कि चौकी पर से हराम गिर गए, बड़ी जोर चोट लगी जी। उस समय दूसरा कोई रहता तो गोली मारता उसको जी। हमारा गार्जियन बोला और मारिए साले को, पढ़ता नहीं, मारिए मारिए, तो औंगता है जी। आपका ये कहा साइलेंट कर लें, कोई बात नहीं है, ये लाइव स्ट्रीम है और केडी यादव जी हैं जो अपने उस, इसको सर साइलेंट कर लें तत्कालिक, और जो है मतलब ये अपने बारे में बता रहे हैं कि एक समय जो था और इनका जो एक वक्त जो है वो हो गया सर। ये अपनी कहानियां जी, तो मतलब बोल, और घर वाले और गर्म हो गए क्या, और मारिए जी, रो रहे हैं पढ़ रहे हैं, पढ़ने में भी खटाखट याद होता था जी जी, रो रो के पढ़ते थे तो ध्यान एकाग्रचित हो जाता था जी। तो उस समय का और अभी के समय में बहुत फर्क है जी। हम लोग के, हम उस समय 17 नंबर वार्ड के पार्षद थे, स्कूल हमारी आदर्श कन्या आदर्श मध्य विद्यालय का हम अध्यक्ष थे जी। देखते थे स्कूल में आते गार्जियन सब, तो हम दबंग थे, गार्जियनों को मार के पटक के मार के कहीं आए हुए झंझट करने के लिए, ये ऐसे करोगे तो बच्चा पढ़ावेगा ही। मैंने अभी तो सही बोले आपकी, तो वो पढ़ाई और आज के पढ़ाई में बहुत फर्क है जी। और यही कारण है जी। कि जो विद्यार्थी पढ़ लिख करके बड़ा भी होता है जी। तो उसको सही ज्ञान नहीं मिलता है। माँ बाप की सेवा करें, अपने से बड़ों का इज्जत करें, ये उसमें भावना नहीं रहती है, इसलिए माँ बाप का इज्जत लोग नहीं करता है। एक 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 और था सर सवाल कि मतलब जैसे मान लीजिए बचपन का, वो आपने बहुत अच्छा जिक्र किया आपका, याद तक कुछ ऐसे चीजें के बारे में बताएं जो मेला घूमने के लिए जाते थे तो कैसा लगता था सर, अभी तो मेले में वो रौनक ही नहीं रहा। उस समय का मेला तो लोग खास करके कभी कभी भीड़ भड़का होता था तो मेला देखने आता था जी जी। तो आज तो रोज मेला है जी जी, जहाँ रहते हैं बाजार में तो लोग मेले मेला है जी, बिल्कुल। अब मेला का कोई वैल्यू नहीं रहा। पहले मेला लोग देखने के लिए क्या क्या मिलता था सर, कैसा लगता था माहौल, कि मतलब लोग इंतजार कर रहे हैं, एक समय आएगा दुर्गा पूजा आएगा तो एक दिन कपड़ा पहनेंगे, नया कपड़ा मिलेगा जी। हम लोग उत्सुक रहते थे, और सही में हम लोगों को दिवाली हो चाहे दशहरा हो, दिवाली और दशहरे में हम लोग को कपड़ा मिलता था जी। का नया नया कपड़ा लेंगे, नया नया मिठाई खाएंगे, गुपचुप खाएंगे, फल्ला घूरेंगे, फल्ला फटक्का बजावेंगे, यही उस समय बचपन में खुशी रहती थी। अच्छा सर एक चीज, तो वो मतलब एक ऐसा भी कहा जा रहा है कि सर जो पढ़ा मतलब जो परिवार का माहौल था सर वो भी अब बदल चुका है, यानी परिवार का संबंध भी अब धीरे धीरे जो है वो एकल होते जा रहा है, पहले जो सामूहिक लोग रहते थे घर में 50 आदमी का परिवार होता था जी। हम कहे सोक्षा में हमारा जो ननिहाल था जी।
मैंने हमारा मामू का गोतिया दो चार घर होगा जी। और सब दूर का गोतिया था जी। वो बहलिया बोले जी। जो अलग जाति के लोग थे जी। मैं किसके यहाँ जिसके दरवाजे पर जाता था उसी के यहाँ खा लेता था, उसी के यहाँ सो जाता था जी। नानी रात में खोजते फिरे कहाँ है, क्या है, नहीं है, किधर गया। मैंने वो आपसी प्रेम था जी। और आज जी। कोई अतिथि, कोई गेस्ट संबंधी आता है तो जिसका व्यक्ति विशेष है, कोई हमारे बेटे का साला आया, दूसरा बेटा नहीं पूछेगा जी। और कोई नहीं पूछेगा, वही पूछेगा। मैंने इतना लोग स्वार्थी हो रहा है, दूसरे का तो छोड़ दीजिए, हम दूसरा थे, दूसरा हमको खिलाता था, दूसरा हमको स्नेह, सबका नाती थे जी। सबका नाती, सब रिश्तेदार हम हो जाते थे। आज अपना रिश्तेदार को भी लोग मानने को तैयार नहीं। आप खास हो गया है मियाँ बीवी बच्चा, बच्चा दी इंड, यहीं पर उसका अपना रिलेशन जो है ससुराल का वो सर्वोपरि है। ननियाल को भूल गया जी। मौसा का भूल गया, फुफा का भूल गया, समाज को तो भूल ले है। तो सर, अच्छा सर, एक चीज हम जानना चाह रहे हैं, आपके नजर से अगर देखा जाए तो आने वाले समय में यानी 10 साल 20 साल के बाद ये तो स्थिति और बदतर होती जाएगी सर। और बदतर होगी जी, ये बहुत बदतर बदतर के हम लोग जो कह रहा है लोग, हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग लोग जो बताते थे कि कलयुग होगा, कलयुग का नाश होगा, तो वो एकदम सामने में आ रहा है। हर कल्चर अभी विश्व पैमाने पर ही, राष्ट्र हित में ही बात कीजिए ना, विकास की बात छोड़कर, लोगों को जीने की बात छोड़कर, रोज एटम बम, परमाणु बम, ये मशीन वो मशीन। अभी भी टीवी में देख रहे थे कि अब चंद्रलोक पर परमाणु बम फिट किया है जी। अमेरिका और चीन जी। इंडिया भी प्रयास में है, रसा भी प्रयास में है। तो बोलिए वो तो एक दो भी गिरेगा समूचा विश्व समाप्त हो जाए। तो समाप्त करने के लिए, अपने दादागिरी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए समाज को लोग भूल गया, समाज को लोग पीछे छोड़ रहा है, जो उसके नाश का कारण है। तो मतलब उसी तरह संबंध को भी जो है वो धीरे धीरे, संबंध भी जो है वो बर्बाद खत्म होते जा रहा है, वो धीरे धीरे संबंध भी धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है, जिसके कारण सब कष्ट में है। आज किसी को कुछ होता है तो कोई देखने नहीं जाता है, कल कुछ होता था एक गाँव में किसी को कुछ हुआ, समूचा गाँव वाला धन बल से दौड़ के जाता था, उसको मदद करता था। आज तो घर वाला घर को मदद नहीं करता। अच्छा सर, एक एक और बस सर, आप अपने थोड़े से बारे में बताएं कि जब आप विद्यार्थी थे, कॉलेज में आए, तो उस समय की कोई ऐसी स्थिति, कोई टीचर प्रोफेसर के बारे में या उनके, जो आज भी आपको याद आता है तो एक मन में एक अजीब तरह की हलचल होती है, मतलब तो उनको याद करते हैं तो लगता है कि नहीं वो सीन फिर से मेरे सामने आ गया, कोई भी जिसमें आप या तो घबरा गए हो या आपको बहुत आनंद आया। उस समय कॉलेज में हम लोग जब जीबी कॉलेज में आए जी, एक कहानी सुनाते हैं आपको। उस समय कॉलेज में कुछ लोगों का उच्च वर्ग का काफी बोलवाला था जी। मैंने ये बोलवाला था कि दूसरे कम्युनिटी के लोगों को कॉलेज में बैठने के लिए पीछे मिलता था, आगे बैठने नहीं देता था। मैंने आगे सीट खाली है, वो नहीं आया है तो खाली रहेगा, उस पर बैठेगा नहीं। तो हमारे भवानीपुर का एक महेश्वरी यादव, अभी शिक्षक से रिटायर किया है, हम लोग उसको महात्मा का टाइटल दिए थे। हम लोग वॉलीबॉल फुटबॉल खेलने जाते थे गांव, वो भी अच्छा प्लेयर था, वो हम लोग से एक क्लास सीनियर था। वो उसको मैट्रिक पास किया और कॉलेज में एडमिशन हुआ, वो चलाया। वो जाकर के पहला ब्रेंच पर खाली देखा और भरा हुआ था तो खाली देखा, जाके बैठ गया। अब जिंदा है कि मर गया, नरेश राय, पत्रकार नरेश राय था तेतरी का, वो लोग का काफी बोलवाला था, किसी को बैठने ही नहीं देता था जी। जो बैठ गया कल करे यहां कहने बैठ लें वो कल के कहने हम पहने आयल छे तुम बैठबे कहा घर छो भवानीपुर की नाम छो फलो गुआरो खें उठवाएंगे ना ठीक है नहीं उठवो जी। उस समय भोला बाबू जी, भोला प्रसाद सिंह जयरामपुर के प्रोफेसर इकोनॉमिक्स के पढ़ा रहे थे जी। वो गया आम का ठाल तोड़ के लाया, उसको मारा जी। मार करके वो पढ़ा रहे हैं, वो एक शब्द नहीं बोला। ये यहां से गया रोते पीटते, हम लोग को जब हम लोग वहां करीब 50 विद्यार्थी जमा होते थे फुटबॉल खेलने में,
वहाँ फुटबॉल खेलने के दरमियान में सारी कहानी उन्होंने बताया। तो उस समय भी में भी हम लोग मार करने के लिए उन लोगों से आए थे। फिर हम लोग दूसरे रीजन में पढ़ लिख मैंने पास किए, हम लोग भी आ गए। तो हम लोग आ गए तो पूरा आ गए जी। तो विद्यार्थी में जो होता है हम बड़ा तो हम बड़ा, वो मारपीट हुआ जो अच्छी नहीं थी, अभी हम सोचते हैं तो वो अच्छा नहीं था, लेकिन अन्याय का विरोध करने के लिए कहीं उसको अच्छा भी कहा जाए। इसी में भोला बाबू का जो गोपाल गोपाला में रहते थे, किसी ने यही जड़ा का समय था, 2 बजे आया एक विद्यार्थी उनके मेम साहब के यहाँ, मेम साहब से कहा कि भोला बाबू के सर के ओवर कोट और चद्दर दीजिए, मांगे हैं सर। उनसे ठग करके दे दिए कि कॉलेज में है, मांगे होंगे, और वो लेके फरार हो गया। वो दोषारोपण मैंने उनका संदेह था कि हम उस समय लोग कॉलेज में थे कि कृष्णदेव ये करवाया हो, लेकिन बाद में उनको मालूम हुआ कि नहीं, कृष्णदेव का हाथ नहीं था। एक कहानी और बताते हैं उसी में इकोनॉमिक्स में, विष्णुदेव बाबू हम लोग के रिश्तेदार हैं, अब तो बुजुर्ग हैं, एक तरह की शिकायत भी हो जाएगी लेकिन फिर भी कर देते हैं। मन में आया कि फला सब लड़ाई उड़ाई करवाता है, खाली हम लोग से पढ़ाई, हम पढ़ेंगे। उनके यहाँ गए हम इकोनॉमिक्स की, हम भी पढ़ेंगे आपके यहाँ ट्यूशन, कोई मंगनी नहीं। उनको लगा कि इससे पैसा कैसे लेंगे, एक रिश्तेदार है, हीरो भी है, उनके लिए भी मार किए थे जी। कल के हमरा तो सब बुक है कृष्णदेव, हमरे यहाँ जगह नहीं है। ये चीज भोला बाबू को मालूम पड़ गया। भोला बाबू एंटी बैकवर्ड फॉरवर्ड में, हम लोग इसके पक्ष में, वो अपना विरोधी पक्ष में थे जी। हम जा रहे थे उसे आगे से, भोला बाबू हम लगता है ताक में थे, अरे कृष्णदेव आओ आओ आओ, गए पैर छू के प्रणाम के बैठ, नाश्ता लग नहीं सर नहीं करना पड़ेगा, तुम ट्यूशन पढ़ने के लिए भी सुनते बाबू के यहाँ गया था के लिए जी, क्या हुआ के लिए वो बोल दिए कि हमारे यहाँ जगह नहीं है, कल के कल से तुम आओ फ्री तुमको हम पढ़ावेंगे, पैसा भी नहीं लेंगे। और उन्होंने हमको फ्री पढ़ाया, मैंने उस समय भी हम लोग कोई विरोध भी किए तो वो गुरु असली गुरु कहिए हमारे साथ जो उनका हुआ, अच्छा जो सही गुरु का होना चाहिए, वो विरोधी होने के बावजूद भी हमको उन्होंने ज्ञान दिया। अच्छा सर, एक अब थोड़ा सा हम आपके व्यक्तिगत से फिर वापस नौगच्छा की ओर आते हैं और कुछ राजनीतिक प्रश्नों को लेकर आते हैं। सर, एक बहुत बड़ा जो मुद्दा है वो है कि नवगछिया जिला कब बनेगा। सर, एक बहुत बड़ा प्रश्न है, एक ऐसा प्रश्न है सर, एक ऐसा प्रश्न है जिसमें सभी राजनीतिक दल, सभी जनप्रतिनिधि का एक मत है। देखिए, जिला बनाने का तो मुख्यमंत्री पर है जी। वो जब चाहे बना सकते हैं जी। हमारे राजनेता जो हैं जी, चाहे वो विधानसभा के हों, चाहे वो लोकसभा के हों, वो भारी नहीं है जी। इतना का जनमत का भी जरूरत नहीं है, उनको भी बार बार लोगों ने हर मीटिंग में हर जगह उनको दरखास्त दिया है, उनसे आरजू मिन्नत किया है। हम तो यही समझते हैं कि ये लोग में दबंगता या लगनशीलता नहीं है। अब छोटा सा लीजिए, जो आपका ये रोड ओवर ब्रिज जी, बिल्कुल रेलवे रेलवे केबिन के पास, ये शाहनवाज साहब बोलते था कि मैंने करवाया जी। ठीक, हो सकता है मैंने करवाया जी। राणा जी का डंका बजते बजते डंका टूट गया, कुछ नहीं कर पाए नौगछिया के लिए जी। ये आज अधूरा पड़ा हुआ है, जबकि ज्वाइंट सरकार है, जदयू और बीजेपी की ज्वाइंट सरकार है। कितना कष्ट लोगों को होता है आने जाने में रोडों भर ब्रिज के चलते जी। जो इतना फा नहीं करवा पाता है। हमने इधर इस माल गोदाम में बड़ा ट्रक टपने के लिए ये रसलपुर ढाला की तरफ जी। ये पुलिस लाइन ने जो कहिए अभी जो जिसमें PWD का और NH का जो कैंपस है जिसमें SP ऑफिस सब है, इसके बीच में और ब्लॉक के बीच में
एक बड़ी चौड़ी सड़क है यहां से एनएच तक, बिल्कुल। उस पर हमने नगर पंचायत से भी कई बार दावा ठोका जी। हम जब थे कि इसको रोड बना दिया जाए ताकि बड़ी ट्रक इसमें घुमा उधर घुमाव है नहीं आ सकता है। अभी प्रखंड उसको घेर लिया है, इनक्रोच कर लिया है, बिल्कुल बिल्कुल। वो बाउंड्री नौगछिया के विकास के लिए एक वो भी बनना निहाय जरूरी है, रोड ओवर ब्रिज बनना निहाय जरूरी है, जो राजनेता का लचड़ है जी। ये हम लोग इसमें कोई अभी जदयू के जो सांसद हैं जी। लोग वोट तो बोझा बांध के दे दिया भोज वोट जात के नाम पर जी। पार्टी के नाम पर जी। जो काम के नाम पर, देश के हित के नाम पर, समाज के नाम हित के नाम पर होना चाहिए वो नहीं हो रहा है जी। इसलिए जिला तो जब चाहे मुख्यमंत्री बना सकता है, लेकिन अभी कोई दम नहीं है हमारे नेता में, तो हम नहीं समझते हैं कभी तत्काल कोई बनने वाला है। सर एक और है, सर एक बहुत बड़ी समस्या है जो नौगछिया की, वो है सर जाम। आप पूर्वकालीन से देखते आ रहे हैं, यानी पहले से आप देखते आ रहे हैं इतने वर्षों से, धीरे धीरे स्थिति और भयावह होती जा रही है। पहले सिर्फ त्योहार में या बाजार में जब भीड़ लगती थी तो जाम लगता था, अब आए दिन प्रत्येक दिन 10-10 मिनट पर जाम लगता जा रहा है। सर देखिए बाजार वही है जी। बाजार का जो डेवलप होना चाहिए जी। वो सीमित है जी। कुछ जैसे अभी डेवलप के लिए इधर मक्खा तकिया के तरफ अपराधी के चलते कोई व्यवसायी आगे बढ़ना, बढ़िया व्यवसायी आगे बढ़ना नहीं चाहता। इधर रेलवे ही हो गया, एनएच भी हो गया, रोड जो है वो और सुकड़ रही है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। कोई घर बनाता है तो एक हाथ दाबी एक बनाता है, और पब्लिक आम जनता जो है 1 से 1,000 हो गया जी, बिल्कुल। जो उस समय थी, उस समय की जनसंख्या आज 50,000 से ऊपर की जनसंख्या नौगछिया नगर पंचायत की है जी, बिल्कुल। जो कि उस समय पुरता नहीं था कि कितने जनसंख्या 20,000 या 25,000 की जनसंख्या था, और रोड वही है जी। उसके बाद थोड़ा पुलिस का कुव्यवस्था भी है जी। व्यवस्था ट्रैफिक का बढ़िया हो, आवागमन हो। अब जो छोटी छोटी गाड़ियां हैं वो दिन भर बाजार में घूमती रहती हैं जी। अभी लिए जैसे कौन गाड़ी निकला है इलेक्ट्रिक वाला, टोटो बैटरी वाला, टेम्पू 24 घंटा घूमते, ट्रैक्टर और सब गाड़ी सब बाजारे में घूमते रहता है, इसलिए जाम लगता है। तो सर मतलब कि जो स्थिति है सर, इस पर आपको क्या लगता है, आपका अनुभव क्या कहता है, इसके लिए क्या करना चाहिए नगर पंचायत या नौगछिया अनुमंडल प्रशासन को, भागलपुर जिला प्रशासन को, नौगछिया को लेकर ये स्थिति भयावह तो और बढ़ती ही जाएगी। ये अभी दो आदमी का मुद्दा है, एक नगर पंचायत कंसस हो जाए जी, सख्त हो जाए जी, और दूसरा पुलिस प्रशासन जी। वो भागलपुर FDO DM के यहाँ जाने का जरूरत नहीं है, पुलिस प्रशासन और नगर पंचायत, यह दोनों चालेगा तो जाम का समस्या खत्म हो जाएगा। प्रशासन को पुलिस देनी पड़ेगी, चौक चौक पर देनी पड़ेगी, जो टोटो वाला है उसका वो जगह निर्धारित किया जाए। हमारे समय में जगह निर्धारित था, मक्खा तकिया की तरफ उधर निर्धारित था, वहाँ बजरंगबली के पास, इधर गोफल्ला के पास ये जो स्कूल है एक ठो बाल भारती इंग्लिश मीडियम, उसका वहां हम लोग रखे थे, उसके भीतर नहीं घुसेगा, अभी आम घुसता है, कोई देखने वाला नहीं है जी। ये दो चीज नगर पंचायत और पुलिस प्रशासन, जिस दिन सख्त हो जाएगी उस दिन बहुत कुछ राहत मिल जाएगी, वैसे जनसंख्या तो काफी बढ़ गया है सर। मतलब बाजार में अतिक्रमण भी एक बड़ा मुद्दा है सर, बहुत बड़ा मुद्दा है। वो तो मैंने उसी में कहा कि अतिक्रमण के चलते ही ये जाम की समस्या है, रोड छोटी छोटी होती जा रही है, जहां तहां रोड पर माल दुकान में नहीं है वो रोडे पर माल लगाता है, वो लगाया देखा। ऐसा भी कहा जा सकता है कि सर आपाधापी तो है ही, इसमें ये भी कहा जा सकता है कि उसे प्रशासन या किसी भी तरह का कोई परेशानी होने का डर नहीं हो कि ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही करना है। कुछ दिन हम लोगों ने भी प्रयास किया था, तोड़ फोड़
घीच तीर पकड़ धकर, लेकिन वो बरकरार प्रशासन जब तक हम नगर पंचायत ही कर देगी तो उसको सिविल पावर तो है नहीं जी। उसको प्रशासनिक पावर तो लाठी चलाने का तो है नहीं, उसके लिए पुलिस कहे ना, पुलिस निहायत जरूरी है, पुलिस चाहेगी तो जाम का समस्या से मुक्ति दिला सकता है जी। सर जाम और इस पर बात किए तो सर एक और मुद्दा जो बड़ा इशू है सर, नौगछिया में स्वास्थ्य विभाग का जो स्वास्थ्य जो मतलब विभाग है जो इलाजरत वाली समस्या, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है सर, समस्या है। एक छोटा भी पेट दर्द कोई भी तकलीफ होने पर सीधा मायागंज भेज दिया जाता है, विक्रमशिला पुल जाम रहता है तो जान तक चली जाती है सर। ये नगुछिया में तो अच्छे अच्छे लोग पहले डॉक्टर भी थे, अब बहुत लोग डॉक्टर इधर उधर भाग गए, कुछ एक्सपायर कर गए, और बढ़िया कोई डॉक्टर हमको समझ में अभी उतना अच्छा लोग है नहीं जी। और जैसे नगुछिया अस्पताल की बात लिए तो लोग तो वेतन चाहिए उसको, मैंने स्वास्थ्य विभाग के जैसा गिरा हुआ जी। और शिक्षा विभाग के जैसा रहन सहन गिरा हुआ किसी विभाग का कम से कम बिहार में तो नहीं है जी। मैंने स्वास्थ्य विभाग में रोगी कल्याण समिति का मेंबर था, सही चीज उठाते थे, ढेर हो गया लड़ाई झगड़ा केस मुकदमा, आखिरी जीत जाता है वही। हम लोग लिखवे न करेंगे, हम लोग कुछ करवे न करेंगे, भ्रष्ट लोग है पैसा लेकर के। सर इसमें तो प्रत्येक वर्ष बहुतों की जान चली जाती है सर, रोड एक्सीडेंट होता है सर, यहाँ अस्पताल आया ड्रेसिंग कर दिया, इलाज दवाई ही नहीं है, डॉक्टर ही नहीं है, ये है भी तो करना नहीं चाहता है जी। एक गांव मैंने गुजर में जो कंपाउंडरी करता है जो कुछ नहीं है जी। वो लोगों का इलाज कर बैठता है, वो तो डिग्री लेके आया है, सरकार उसको वेतन देती है, वो करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन वो करने के लिए उसको टाल देगा। अब जाइए मायागंज, वो मायागंज जाएगा कि यहाँ जाएगा, वो बीच में मर जाएगा, उसको फिर क्या दिखने वाला है। सर विक्रमशिला सेतु जो भागलपुर जाने वाली एकमात्र बीच में पुल है सड़क पर, यह भी निरंतर जाम रहता है सर, और बराबर इसकी मरम्मती कार्य को करवाया जाता है जिला प्रशासन द्वारा या पथ निर्माण विभाग द्वारा, तो ओवरलोड के कारण सर। ये तो पुल ही जो बना पहले जी। ये पहले से 4 लाइन 2 लाइन मैंने बनना चाहिए था जी। ये छोटा पुल बना, ये मुख्य पुल हो गया, ये बिहार का मुख्य जगह हो गया है, मैंने सिर्फ नौगछिया का ही और भागलपुर का ही आना जाना नहीं होता है। अब तो मान लीजिए नया पुल बन रहा है तो उस पर विशेष कहना, अब नया पुल बनने के बाद समस्या का निदान हो जाना चाहिए। सर एक एक सवाल और था सर, कि मतलब लगातार लोग कमेंट कर रहे हैं और मैं बहुत लोगों का फ़ोन बज रहा था, चूंकि सर बीच में बोल रहे थे के डी यादव जी, तो मैंने फ़ोन रिसीव करना मुनासिब नहीं समझा, और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर आप कॉल कर कुछ पूछना चाहते हैं तो फ़ोन लाइन चालू है हमारा, जिसका नंबर है 97098-94194 9709894194। सर एक जो है लगातार कमेंट आ रहे हैं, सोनू कुमार शर्मा, नीरज कुमार, नयन, शुभम भारद्वाज, लालू खान, कुमार बिरवल, केडी भाई, लगभग लोगों का एक है कहना कि नौगछिया में खेल जो खिलाड़ी के साथ है वो हमेशा उसे मतलब दरकिनार करके, यानी उस पर उसे नज़रअंदाज करके ही रखा गया है, खासकर खेल खिलाड़ी पर ध्यान नहीं दिया गया पूर्व से ही ऐसा। बीच में हम लोग भी इंटरेस्ट लेते थे, क्रिकेट खेलवाते थे जी। लेकिन वो कहे ना उसमें उसके लिए भी आपसी भाईचारा नेतृत्व होना चाहिए जी। जिसकी कमी है जी। जिसके चलते खेल में लोग नीचे पिछड़ रहे हैं। अभी हमारा पोता है जी। शूटिंग में वो अभी इलाहाबाद में जी। वो है इलाहाबाद में पढ़ भी रहा था तो फिलहाल अभी इलाहाबाद में जहाँ पढ़ रहा था वो पास कर गया, यही क्या कहते हैं बनारसी लाल सर्राफ में जी। लेकिन कोचिंग करने के लिए यहाँ सुविधा नहीं है तो उसको भी भेजे मैंने इलाहाबाद में जी। वहाँ रख करके वहीं कोचिंग करता है, वहीं करता है। तो यहाँ कोच का भी भागलपुर में भी कम से कम खेल का कोच बढ़िया बढ़िया होना चाहिए, और गरीब गुरबा जो छात्र हैं उनको लोगों को मदद करनी चाहिए सोसाइटी बना करके। सर आप पूर्वी नगर पंचायत से जुड़े हुए हैं सर, और हमेशा आपका सलाह लिया गया, खेल के मैदान पर कभी कोई चर्चा नहीं की गई सर।
खेल का मैदान ही नहीं है सर। उस समय अपने नेता से इस संबंध में भी बहुत उठाए जी। कहे नहीं कि नेतृत्व का बहुत बड़ा दोष है जी। अगर ज्यादा बोलूंगा तो उनको लगेगा कि हमारी शिकायत कर रहा है। किसी ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। अब खेल का मैदान है, अब देखिए हम लोग नगर पंचायत से नगुछिया हाई स्कूल है, नगुछिया हाई स्कूल के दक्षिणी बाउंड्री पर जो स्टेडियम जो भी बनाना था हमने अपना फंड दे करके उसमें बनवाए हैं बैठने के लिए, कि कम से कम जो लोग देखने आवे तो बनावे। बाजार समिति पर प्रयास था, फील्ड भी कोई अच्छा नहीं है, बाजार समिति भी खत्म हो गई है, बिस्को मान वाला ले लिया वो वहाँ भी खत्म है। कोई जगह भी हमारे समझ से नजर पड़ी इस जगह अगल बगल में जो नगुशिया बाजार के अगल बगल में होना चाहिए अभी नहीं है। अभी उसके लिए अगर कोई जमीन ही एक्वायर करे, जमीन वो एक्वायर करे फील्ड के लिए स्पेशल, तो कोई खेल का मैदान बढ़िया बना। अब जाके पर्वत्ता में बना दिया है जी। तो वहाँ ने खिलाड़ी जा सकेगा नहीं, नाम का एक ठो खाली वहाँ मैदान हो गया। ये नगुशिया बाजार के अगल बगल, ताकि यहाँ का और लोग बाहर का भी और यहाँ का भी लोग खेल खेले, खेल को आगे बढ़ावे, उसके लिए खेल का मैदान का भी बहुत जरूरी है। मतलब खेल का मैदान का भी जरूरत है, जो पूर्व से ही इस पर ध्यान नहीं दिया गया और स्थिति ऐसी हो गई। सर एक सवाल और था सर, कि इस बार जो है कोरोना आया, जो सबों के जीवन में पहली बार आया और सबको एक अलग एहसास और अनुभव करा कर गया सर। कोरोना बहुत दुखदाई जी, माने बहुत ही विनाशकारी बीमारी आया जी, और लोग इससे बहुत परेशान हैं। मैं चाहूंगा खास करके हमारे क्षेत्र के लोग, इसको लगा नहीं रहा है, लगता है कि कुछ है ही नहीं। मैं घर से जब यहाँ से वो घर जाता हूँ या बाजार कहीं निकलने का मौका लगता है तो नहीं मन मानता है, अभी भी बराबर मन में लगा रहता है लोगों का भला करूँ। लोगों को जब देखता हूँ तो रास्ता पेरा में भी समझाता हूँ, किसी को डांटता भी हूँ कि मास्क जरूर लगाओ, दूरी जरूर बनाओ। अभी दूरी और मास्क परहेज ये बहुत बड़ी मैंने जरूरी है, और इस बीमारी से क्या नुकसान है ये तो भगवान ही बता सकता है, कितना बड़ा नुकसान है डेवलपमेंट का, विकास का, सामाजिक का, डर का, टेंशनाइज लोग हो जाता है, हम ही खुद बीमार में टेंशनाइज हो गए कि फला करोना करोना क्या करोना, तो परेशान तो है। कोरोना एक दुखदाई बीमारी है और तुरंत इसका जान भी छूटने को नहीं है, इसलिए मास्क लोग जरूर लगावें और दूरी बना के रखें। सर लॉकडाउन आया, पहली बार लॉकडाउन आप सबों ने देखा, आपके भी जीवन में एक मतलब नया एक दृश्य देखने को मिला लॉकडाउन का जी। लॉकडाउन आया तो जरूरी भी था लॉकडाउन का, लेकिन हमको लगता है कि ऑल इंडिया लेवल पर लॉकडाउन जो हड़बड़ा के लगा दिया गया नोटबंदी के तरह, उस तरह नहीं लगाना चाहिए जी। उसके चलते क्या हुआ कि जो जहां तहां मजदूर जो फंस गया, जो लोग बाहर में फंस गए, इसको बढ़े या घटे, उससे भी बढ़ा, लोग कहेगा कि बढ़ जाता। एक हफ्ता 10 दिन अनाउंस कर देता, उसकी गाड़ी की व्यवस्था फ्री कर देता कि आप लोग निश्चिंत से अपना अपना घर अगर आना चाहते हैं तो चले आइए, उसके बाद लॉकडाउन लगाता, तो ये लोगों का दुर्दशा, खास करके गरीब वर्ग मजदूर वर्ग का जो दुर्दशा हम लोग टीवी पर बैठ के देखते थे, जो भयाक्रांत स्थिति हो गई, वो स्थिति नहीं होता। लॉकडाउन तो अच्छा था, लॉकडाउन तो करना ही था, नहीं करने से तो दूसरा कोई उपाय ही नहीं है इसमें। अच्छा सर, मतलब जितने भी लॉकडाउन में मजदूर आए और फिर यहाँ काम रोजगार मिला नहीं, फिर सभी लोग वापस हो गए, कमाने के लिए खाने के लिए क्या करेगा लोग, खाने के लोग वो जब आ रहा था लोग कहता था अब लौट के नहीं जाएंगे, मर जाएंगे बाबू अपने घर में न मरेंगे। वही आदमी आज सबसे पहले बुढ़िया बंदना बांध करके फिर जा रहा है, कोरोना खा जाओ कि कोई खाए, क्या पेट का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है। आज जो हम लोगों के साथ बेरोजगारी है, आज हमारे नरेंद्र मोदी जी लोग अच्छे हैं, उसका मैं विरोध भी नहीं करता हूं, लेकिन इस मामले में विरोध करता हूं कि बेरोजगारी पर ध्यान नहीं है। आज बेरोजगारी का निहायत जरूरी है।
बेरोजगारी का समस्या खत्म किया जाए, होना चाहिए ताकि लोग गलत रास्ते पर नहीं जाए। आज पढ़ लिख लिया लोग, कहीं नौकरी नहीं मिलती है, कोई धंधा नहीं मिलता है, कोई चोर हो गया, कोई लफंगा हो गया, कोई ठगता है, कोई मरता है, कोई मारता है। आज समाज कहाँ नीचे गिर रहा है, कितना धंधा, कौन कौन धंधा करेगा लोग। इसलिए बेरोजगारी का तो बहुत बुरा स्थिति है। सर, आप मोदी जी को पसंद करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनके काम करने का तरीका है और सब कुछ? मैंने नारा एक देसी कहावत है, नारा गांव में गिदड़ पटवारी। जो जितने बने थे उसमें से तो कुछ अच्छे हैं जी। अच्छे हैं इसलिए नहीं कि गड़बड़े हैं, लेकिन कुछ खराबियां भी हैं जी। ये मेरे समझ से ये पूंजीपति वर्ग को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। अभी किसान का मामला है जी। कोई कानून बना रहे हैं जब किसान को पसंद नहीं है जी। हमको कोई कुर्ता पजामा दे रहा है, हम ही को पसंद नहीं है तो जबरदस्ती पहना दीजिएगा। अब जबरदस्ती पहना रहा है, हमसे बहस कीजिए, ये कीजिए, काहे कीजिए। आज तक टाटा, डालमिया, रिलायंस, ये नहीं, कौन कौन अदानी फडानी, ये अनाज नहीं खरीदता था, फूड ग्रेन नहीं खरीदता था जी। आज उसको खरीदवाने के लिए ये सारी समस्या कर रहे हैं। ये इनका मैं खिलाफ करता हूँ, बेरोजगारी पर मैं खिलाफ करता हूँ। अच्छा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पसंद करते हैं सर, उनकी कौन सी कोई नीति जो आपको अच्छी लगती है? बिहार की जो स्थिति है, लगातार नीतीश कुमार जो है वो सत्ता में बने हुए हैं और उसके बाद की जो स्थिति है वो आपके सामने है। कुछ काम तो अच्छे किए हैं जी। हाँ, हालांकि आज के युग में किसी पॉलिटिशियन से जी, किसी पॉलिटिक्स के बारे में, सत्ताधारी के बारे में पूछिएगा तो वो अपोजिटे बात करेगा, खिलाफे बात करेगा। मैं उसका विरोधी हूँ। जो कोई मेरा दुश्मन भी अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ करनी चाहिए, और अपना भी कोई गलत काम करे तो उसका विरोध करना चाहिए। तो नीतीश कुमार जी भी कुछ अच्छा काम जरूर किए हैं, ऐसी बात नहीं है कि अच्छा काम नहीं किए हैं, लेकिन कुछ गलत काम भी किए हैं। जैसे शिक्षा विभाग में जिनके कहने पर वो अनरा काना को डिग्री के आधार पर बहाल कर लिए। नगर पंचायत में मैं उस समय था और मेरे अंदर में बहाली हो रही थी। इंटरव्यू देने के लिए एक महिला आई, वो ग्रेजुएट थी, बीएड थी, हाई स्कूल की टीचर बनने वाली थी और सब सर्टिफिकेट लाया। उसका पति हुलुक मुलुक करे, हमने गेट लगा दिया और कहे मार लाठी से गिरा तोड़ देंगे। इंटरव्यू देने के लिए आई है महिला, पत्नी तुम्हारी, वो इंटरव्यू देगी, तुम बाहर रहो। उनको बोले आप आइए का, अंग्रेजियों में नहीं हिंदी में बोले, आइए का सर्टिफिकेट निकाल के दिखाइए। तो उसने नहीं निकाल सका, उसने कहा यही में छे निकालिन लो, और वो बहाल हो गई, उसको रोक भी नहीं पाए जी। ये शिक्षा विभाग में 75% ये ऐसे आदमी का बहाली कर दिए हैं जो हमको लगता है कि मास्टर से बेसी तेज बच्चे है जी। ये नीतीश कुमार जी का एक है बहुत। आप सर बड़ी किस राजनीतिक पार्टी को आप समर्थन करते हैं सर? अभी तो फिलहाल मैं राजद में हूं जी। समर्थन की बात उठेगी तो मैं तो उसी का समर्थन करूंगा, लेकिन कोई और पार्टी भी कोई अच्छा काम कहे, मेरा अपना व्यक्तिगत राय है कि अगर भाजपा अच्छी काम करती है, जदयू अच्छा काम करती है, कांग्रेस अच्छा काम करती है तो उसके अच्छे काम को मैं अच्छा कहूंगा। कोई अच्छे नेता है, अच्छे काम करने वाले हैं तो मैं उसको अच्छा कहूंगा, मैं खराब नहीं कहूंगा। सर, अब चूंकि बहुत कम समय बचा हुआ है हमारे लाइव का, महज दो चार मिनट का ही समय बचा हुआ है लाइव में। सर, अब हम वापस नौगछिया पर आएंगे और आपसे तो लगातार सवाल आते जा रहा है, फोन कॉल भी आ रहे हैं, मैं नहीं रिसीव कर पा रहा हूं क्योंकि लगातार इनसे सवाल मैं ही पूछता जा रहा हूं और ये जवाब देते जा रहे हैं। सर, नौगछिया की राजनीति के बारे में, अभी के वर्तमान के राजनीति के बारे में कम शब्दों में आप क्या कहेंगे इसे? अभी जो नौगछिया की स्थिति है सर, ये आने वाली स्थिति के बारे में कि इससे आपको अंदाजा, आपका इतना लंबा एक अनुभव है आपको, और नौगछिया की जो स्थिति है ये आने वाली स्थिति में कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी आने वाले समय में, और क्या और बदतर हो जाएगी सर?
बदतर तो नहीं होनी चाहिए जी। कोई भी किसी भी इंसान को निराश नहीं होना चाहिए, आशावादी रहना चाहिए जी। और नीतीश कुमार का राजपाट है, विधायक गोपाल मंडल जी बने हैं, तो अच्छा ही होना चाहिए जी। अच्छा ही रहेगा। आपका कोई व्यक्तिगत सलाह रहेगा जो आप देना चाहते हैं आम लोगों को भी इस किसान बिल के बारे में? किसान बिल के बारे में मैं ये खास करके कहना चाहता हूं कि बिहार में हमको जैसे लग रहा है कि हमारे यहाँ किसान का कोई यूनियन ही नहीं है जी। ये क्या संघ क्या है? एक संघ है राजद का, राजद का किसान सेल, किसी को बना दिया तू भत्थू को। भाजपा का किसान सेल, कांग्रेस का, जदयू का, कोई किसान के संबंध में निष्पक्ष कोई इसका संघ बढ़िया होना चाहिए जो पार्टी से हटके हो। सारे पार्टी का, पार्टी वाला तो अपना पार्टी का गाना गावेगा जी। उसका पार्टी वाला अच्छा करेगा कि खराब करेगा उसी का गाना गावेगा। अभी सत्ताधारी है, भाजपा वाले हैं, जदयू वाले हैं, जो किसान सेल में के लोग हैं वो उसी का गाना गावेगा। राजद वाले हैं वो अच्छो है तो राजद वाला विरोधे गावेंगे। इसलिए इस संघ जैसे पंजाब में, जैसे हरियाणा में, जैसे उत्तर प्रदेश में, जैसे महाराष्ट्र में है, किसान का तो जरूर यूनियन मजबूत होना चाहिए। किसान बहुत निरी है, किसान बहुत बेचारा है। किसान को आज एक चाय बेचने वाला घर में जब खाना खाता है तो वो दाल भात तरकारी पापड़ अचार खाता है, और किसान भात में दाल होता है तो सब्जी नहीं, सब्जी है तो दाल नहीं, रोटी है तो दाल नहीं, दाल है तो तरकारी नहीं। दूध उपजाता है, पौवा जब नहीं पुरता है तो बच्चे को खाने के लिए देता है, पौवा पुर गया तो वो बेच लिया। किसान का बहुत बदतर स्थिति है बिहार में भी, हिंदुस्तान लेवल पर भी, खास करके हम अपने बिहार का समझते हैं। कोई हिलता भी नहीं है, इतना हम लोग देख रहे हैं बिहार का किसान क्या मिलता है। अभी कह रहा था कि नीतीश जी ने ये कर दिया, माने MSP की क्या बोलते हैं, जो निर्धारित एक सरकार का रेट होती है मकई खरीदने का, धान खरीदने का, कोई व्यवस्था नहीं है। किसान का मकई कोई लेने वाला नहीं था, 1100-1150 रुपया मकई का रेट लोग बेच दिया कितना आदमी। अब बहुत से बहुत इधर भी 1400-1500 हुआ है जी। कहीं कोई सरकार लेने वाला नहीं है, कहता कि बिहार में तो हम बाजार समिति उठा दिए, यहाँ तो फर्स्ट क्लास है लोग, किसान ये है। तो किसान की ये नीतीश जी का भी पॉलिसी किसान के लिए बहुत खराब है। अच्छा सर, एक बस जाते जाते एक लालू खान है वो कमेंट कर रहे हैं लगातार, उनका सवाल है कि नौगछिया नगर पंचायत में नल जल का काम अधूरा पड़ा है, मतलब इस उनका लगातार एक क्वेश्चन आ रहा है, कमेंट में आ रहा है कि नौगछिया नगर पंचायत में नल जल योजना का काम अधूरा पड़ा हुआ है। बदतर स्थिति है, उसमें लूट है जी। मैं नगर पंचायत में हूँ, मैं हमारे हालांकि विरोध करने से भी ये नीतीश जी जल नल कल का व्यवस्था कर दिए हैं, इसको खास करके शहर में नहीं करके देहाती क्षेत्र में करना चाहिए। देहात के क्षेत्र में इसका जरूरी था। जो बदतर है लूट है, जल नल में लूट है, यही नौगछिया नगर पंचायत में नहीं, ऑल बिहार लूट है। इसकी जांच हो तो कितने आदमी जेल चले जाएंगे। सर ये 7 निश्चय योजना जो आया है सरकार का, आपको लगता है कि सर इसमें मतलब जो कार्य किया जा रहा है वो, सिवाय आपने नल जल के बारे में बताया, और सब जो 6 निश्चय इसके अलावा है उसका सही से मतलब कार्य हो रहा है? और निश्चय में जैसे नाला बनता है जी, जैसे रोड बनता है गली नली का जी, वो तो सही है जी, वो तो अगर बनता है, लेकिन नाला भी बनता है यहाँ तो पैसा खपाने के लिए। इस पर विचार नहीं होता है कि नाला का पानी कहाँ जाएगा, ज्यादा दिन तक कैसे टिकेगा। एक के बार इसको हमने 1000 फीट बना के 500 फीट बनावे, जो हमारा 50 बरस चले, 25 बरस चले, ये नहीं कि आज बनाए कल टूट गया, तो इस दृष्टिकोण से वो गलत है। वैसे रोड नाला ये जल नल छोड़ करके वो सही है। जल नल देहात में है, देहात में जहाँ लोगों को पानी का व्यवस्था, वैसे अपना ये जो गंगा के उत्तरी भाग है
यहाँ तो पानी की कमी नहीं है, इसलिए उसके बदले में लोग को एक हक्टो घर पे चापाकल ही दे देता तो उससे ज्यादा सुविधा लोगों को होता, गरीब गुरबा को भी चापाकल मिल जाता, घर में पानी का साधन हो जाता। अभी जल नल कल बिछाया, नकली सामान बिछाया, एस्टीमेट कुछ है, काम कुछ हुआ है, टोटी लगाया कल टूट गया, पानी रोडे पर बह रहा है, बंद है, कोई देखने वाला नहीं है, यही स्थिति है। वो सब पैसा उसको मिट्टी में मिल गया जी। और कोई सर आपका कोई मैसेज जो आम लोगों तक आप पहुंचाना चाहेंगे? आप लाइव इंटरव्यू में पहली बार आए हैं, बहुत तरह के लोग हैं जो मतलब आपसे जानना चाहते हैं, आपको सुनना पसंद करते हैं, उन्हें कोई एक आप अपनी तरफ से कोई अपील या कोई? मैं आम लोगों से यही अपील करना चाहूंगा, अब हम लोग का भी अब अंतिम स्टेज है, जो अपने लाइफ में अध्ययन किया, लोग भगवान भगवान करते हैं, मेरे समझ से कोई भगवान नहीं है, कोई एक निराकार भगवान है, भगवान माता पिता है, हर इंसान को अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए, उसके साथ साथ समाज का भी सेवा करना चाहिए, कहीं अन्याय हो रहा है तो न्यायिक व्यवस्था के तहत उसका विरोध भी होना चाहिए, कहीं सामाजिक काम हो रहा है तो उसमें सहयोग भी करना चाहिए, और इन हर आदमी को इंसाफ के लिए अटल रहना चाहिए। अगर लोग झुक जाएगा फिर देश का क्या होगा, इसलिए इंसाफ पर कहीं पर अन्याय हो रहा है तो अन्याय के सामने में झुकना नहीं चाहिए, यही मेरा कहना। तो लगातार आज हम लोग लाइव इंटरव्यू में हमारे साथ हैं नौगछिया के अरुण कुमार यादव उर्फ केडी यादव। तो आज लाइव में मैं आपको इनसे मिलवाया और आप लोगों ने लगातार जो प्रश्न पूछा, आप लोगों के जो सवाल थे उनका और हमारी टीम की ओर से तैयार किया गया जो सवाल था, प्रश्न था, उनका इन्होंने बखूबी बेबाक रूप से उत्तर दिया। और आज का यह इंटरव्यू का अभी मैं एक विराम लेता हूं और मैं आप लोगों से एक अनुरोध करता हूं विशेष रूप से कि अगर आपके मन में भी किसी खास या किसी भी व्यक्ति नेता संबंधित यानी किसी के बारे में अगर आपके मन में है कि हम उन्हें इंटरव्यू में लेकर आए तो आप बेशक हमें बताएं, कमेंट लिखें, हमें ईमेल करें, हमें फ़ोन कर बताएं, व्हाट्सअप करके बताएं और हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम उन्हें अपने लाइव इंटरव्यू में लेकर आएं और आपके सवालों का और हमारे सवालों का जो मैं आपका प्रतिनिधि बनकर उनसे पूछता हूं, मैं उन्हें से पूछूं और उनका जवाब आप तक पहुंचे। तो आज के इस तीसरे रविवार के संध्या का लाइव इंटरव्यू का हम अब समाप्त करते हैं और आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि आप लोग भी जैसे केडी यादव जी ने कहा कि कोरोना को लेकर जो सरकारी गाइडलाइन है उसे पालन करें, एक सामाजिक दूरी बनाएं, मास्क जरूर पहने, खासकर बाहर निकलें तो इन सब चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। तो इतना ही कहूँगा और चलते चलते कहूँगा किसी तरह आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए जीएस न्यूज़।